नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। 19 जुलाई को टीम डेली राजस्थान 12 पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर चलते हुए कोटा व केलवाड़ा के बीच देखा कि हाईवे के दोनों ओर लंबे लंबे खेत हैं और खेतों में चावल और सोयाबीन की फसलें उगी हुई है। यहाँ के किसान खेती में काफ़ी पैसा लगाते हैं। आपने सुना ही होगा कि कृषि उत्पादन का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और अतिवृष्टि या अकाल में फसलों के नष्ट हो जाने पर कर्ज में डूबे यहाँ के किसान कई बार आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान यूरिया व अन्य फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगे हैं। वहीं खरपतवार को नष्ट करने व फसलों को रोगों से बचाने के लिए कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स और जहरीली दवाओं का उपयोग भी कर रहे हैं, जिससे न केवल भूमि बंजर हो रही है बल्कि जहरीली दवाओं का असर वातावरण सहित उत्पादन पर भी पड़ रहा है। यहाँ समतल भूमि है, इसलिए खेत भी बहुत बड़े बड़े हैं। इन खेतों में सोयाबीन की फसल उगा रखी है। खेतों में खरपतवार बहुत होती है, जिसे नष्ट करने के लिए जहरीली दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इतने बड़े खेतों में मजदूरों से दवा का छिड़काव करवाना काफी महंगा सौदा है। ऐसे में किसानों ने नई तकनीकें इजाद कर ली है। खेतों में 10-15 लीटर की टंकियों से छिड़काव किया जाना नामुमकिन है। ऐसे में ट्रैक्टरों पर बड़ी टंकी लगा दी है। इस टंकी में जहरीली दवाओं का घोल भरा हुआ है। टंकी से एक लंबा पाइप जोड़ दिया है, साथ ही पानी फेंकने वाला पंप भी लगा दिया है। दवा के घोल को पंप पाइप में फेंकता है और पाइप के आगे मुंह पर फव्वारे लगे हुए हैं, जिससे 2-3 लोग दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान खरपतवार को नष्ट करने के लिए जहरीली दवाओं का उपयोग कर रहे हों। कई किसान खेत खुदवा कर भी खरपतवार को उखड़वा रहे हैं। खेत खोद देने के बाद फसलें हवा के साथ फड़फड़ा रही है, वे ताजगी अनुभव कर रही है। अब उन्हें पानी की जरूरत है। यह वीडियो 19 जुलाई की शाम को शूट किया गया था। उस दिन बारिश नहीं हुई थी। सूचना मिली है कि 24 जुलाई से इस इलाके में भारी बारिश हुई है। खेतों में पानी भर गया है। उम्मीदें हैं कि ये फसल किसानों को अच्छी पैदावार देगी। आज हम हैं कोटा संभाग के 12 ज़िले में और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज तहसील के भंवरगढ़ कस्बे के पास में। यहाँ हम देखेंगे कि बहुत लंबे लंबे खेत हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जा रही है वहाँ तक खेतों में फसलें खड़ी है और ज़्यादातर लोग सोयाबीन की फसल बो रहे हैं और कई सारे लोग धान यानी चावल उगा रहे हैं। इन दिनों लोग गांवों की बजाय खेतों में मिल रहे हैं। घरों पर बहुत कम लोग, गांव में बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। सभी लोग खेतों में काम करते हुए पाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर लोग खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक बात है कि लोग पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दवाओं का। यहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे। लोगों ने पेड़ लगभग सभी काट दिए, पेड़ों को काट के ज़मीन को खेती योग्य बना लिया। लेकिन यहाँ देखेंगे आपकी पेड़ों की संख्या बहुत कम है। जहाँ तक नज़र जाती है, लंबी लंबी जहाँ तक नज़र डालते हैं वहाँ तक खेती खेत है और उसमें फसलें हैं। फसलों में काम करने के लिए, सही पैदावार लेने के लिए किसान इन खेतों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ हर राज्य में भाषा, पहनावा, खान पान, खेती परंपरा सहित भौगोलिक स्थिति में भारी अंतर है। वहीं भारत में भी राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके हर ज़िले में कई आधार पर विभिन्नताएं नज़र आती है। राजस्थान में भौगोलिक विषमताएं अधिक है और उनके कारण खेती के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं। एक तरफ वागड़, मेवाड़ व मारवाड़ क्षेत्र के किसान कम पानी और अपनी महज 1-2 बीघा ज़मीन में भी परिवार की आवश्यकता की लगभग हर चीज़ का उत्पादन कर लेता है। वहीं हाड़ोती क्षेत्र के किसान पर्याप्त पानी और सैकड़ों बीघा ज़मीन होने के बावजूद केवल एक ही फसल का उत्पादन ले पाता है। आखिर किसान ऐसा क्यों करते हैं, यह जानने के लिए हमने खेत खोद रही महिलाओं से भी बात की। तो
हमारे मेवाड़ की धरती के खेतों में जो फसलें की जाती है, वहाँ के किसान अपने एक बीघा खेत में मक्का भी बोता है, उड़द भी बोता है, उसी के अंदर ककड़ी भी होती है, उसी के अंदर भिंडी के बीज भी वो बोते हैं। मतलब एक बीघा ज़मीन में एक परिवार के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो तमाम उत्पादन वो अपने एक बीघा ज़मीन से, दो बीघा ज़मीन से कर लेता है। लेकिन हम बात करें हाड़ौती के किसानों की, तो यहाँ के किसान अपनी सैकड़ों बीघा ज़मीन में केवल एक ही फसल करते हैं। जैसा कि आप इस खेत में देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएँ किसान हैं, मज़दूर हैं, और ये मजदूरी का काम यहाँ कर रहे हैं, इसके मालिक कोई और है। लेकिन हम इनसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर ये फसल कौन सी है और इसका क्या अनाज निकलेगा और उसका ये क्या करेंगे। बताइए ये क्या है? ये सोयाबीन है। इसमें फली लगेगी, उसमें दाना पड़ेगा। पहले तो फूल आएगा, फिर फली लगेगी इतनी लंबी, फिर उसमें दो दाना निकले या चार भी निकले या फली लगेगा, फिर दाने निकालेंगे उसके, काटेंगे, इसने काटेंगे, फिर काट कर मशीन में डालेंगे, फिर दाना निकालेंगे, फिर बेच में जाएंगे। वो जो दाना है वो आप खाते हैं? खरीदेगा उसके भी कुछ तो काम आएगा, सोयाबीन का तेल पड़ेगा जो अपन खाते हैं। तो इस उत्पादन का, इस फसल का जो बीज है, उस बीज से तेल निकाला जाता है, और वो तेल जो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल हम सब्जी बनाने में घर में उपयोग करते हैं, वेजिटेबल ऑयल इस पौधे का बनाया जाता है। साथ ही इसका जो अपशिष्ट होता है वो पशुओं को खिलाने में भी काम आता है। और आपने देखा होगा आजकल तो सोया स्टिक आते हैं, जो पैकेट्स में सोया स्टिक खाए जाते हैं स्नैक्स के तौर पे, वो भी इसी फसल का बनता है। वही सोयाबीन की जो सब्जी बनती है वो भी इसी के अपशिष्ट से, मतलब तेल के अलावा जो चीज़ बचती है उसी अपशिष्ट से वो सोयाबीन तैयार किया जाता है, उसकी सब्जी आप लोग खाते हैं। हजारों हजार बीघा ज़मीन में सोयाबीन की फसल लहलहा रही है, खेत खोदे जा चुके हैं, ये मजदूर लगातार इस ज़मीन को खोद रहे हैं और इसके अंदर से जो खरपतवार है इस खरपतवार को नष्ट कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको मिल सके।